friends, how are you? I hope that you all have been taking a very, very good care about your health as well as your studies. Today in this very, very short video, I am going to tell you about the content of the lesson. Lesson number 1, class 12, the last lesson. And the writer is Alphonse Dotted. बहुत छोटे से इस वीडियो में मैं इस लेसन का कंटेंट जो उसका सार है वो बताना चाहूँगा. जब भी राइटर कोई कहानी सुनाता है तो कहानी सुनाना उसका मकसद कतई नहीं होता, कभी भी नहीं होता. उस कहानी के ज़रिए वो एक थॉट कॉन्वे करना चाहता है. मैं चाहता हूँ कि हमने समरी पढ़ ली है, मैंने वीडियोस को पहले डाल रखा है इस चैनल पर. आज मैं आपको केवल थॉट पढ़ाना चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट में. आखिर राइटर हमसे क्या कहना चाहता है? दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी कोई देश किसी देश पर कब्ज़ा करता है, किसी देश को अकुपाई करता है, उस पर अधिकार करता है, तो 2 काम करता है. यही काम अंग्रेज़ों ने किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया. सबसे पहला काम, वो देश की इकोनॉमी पर कब्ज़ा करता है. जब अंग्रेज़ भारत आए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग रेशमी कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं. उन्होंने अपना कपड़ा बनाना शुरू किया. उन्होंने पॉलिस्टर बनाया, टेरालीन बनाया, और ये कपड़े बनाए जो उनकी मशीनों से बनते थे, सस्ते थे. भारत के बने हुए कपड़े महंगे थे क्योंकि उसमें लेबर चार्ज ज़्यादा था, ह्यूमन पावर लगती थी ज़्यादा, और वो कलरफुल भी थे, रंगीन थे. तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और देश की इकोनॉमी पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया. दूसरा काम करते हैं ये लोग, जब कोई भी देश किसी देश पर कब्ज़ा करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो वहाँ की ज़ुबान छीनता है. जब लॉर्ड मैकाले इंडिया आए, उन्होंने यहाँ के गुरुकुल देखे, संस्कृत देखा, हिंदी देखा, और यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाना शुरू किया. सेम कहानी इस लेसन के थ्रू हम समझ सकते हैं द लास्ट लेसन में. डियर फ्रेंड, अच्छा लगे वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर ज़रूर करें कि जर्मन्स ने जैसी कब्जा किया फ्रांस पर, पर्शियन आर्मी ने, इसमें जर्मनी थी, पोलैंड था और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के थे, कब्ज़ा करने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया, वहाँ की ज़ुबान छीनी, फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस किया और एक ऑर्डर दिया कि वहाँ के 2 शहर अलास्का एंड लॉरियन में अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पर मैं फ़िलासफ़ी डालना चाहूँगा. अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा लगे तो आप कॉमेंट ज़रूर करें. जब कोई आदमी आपको अपना ग़ुलाम बनाता है, थ्योरी देखिए आप इसकी, साइकोलॉजी देखिए, जब भी कोई आदमी आपको अपना ग़ुलाम बनाता है तो वो आपकी ज़ुबान छीनकर अपने लफ्ज़ डालना चाहता है, क्योंकि हमेशा आप यस सर कहें. तो ये यस मैनशिप तभी आएगी जब आपके मुंह में आपके मालिक की ज़ुबान होगी. अब इस चीज़ को समझिए, ज़ुबान और दूसरा लैंग्वेज, एक टंग देन लैंग्वेज, और टंग का यूज भी लैंग्वेज के लिए तो होता है, तो इसीलिए मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं. एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, शायद आपको अच्छी लगे, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो या जर्मनी हो, इन्होंने कभी भी अपनी मातृभाषा से समझौता नहीं किया, इसलिए आज भी इन देशों में अपनी देश की लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि बाकी सारे देश, बहुत से देशों ने अंग्रेज़ी को अपनाया. और हम भी तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं ना. जी हाँ, तो इस थॉट को अगर आप समझे हों जो लेसन के ज़रिए कहा है राइटर ने, तो शायद अब आपको लास्ट लेसन समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही तकलीफ़ होगी मिस्टर हैमिल के उस लास्ट लेसन पढ़ाते हुए कि वो कितनी तकलीफ़ में रहे होंगे कि आज के बाद इस देश में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मातृभाषा का अपमान हो रहा है. सो डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई एस गोस्वामी. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाई.